हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बीन्स की बहुत ही मजेदार सब्जी, वो भी कुकर में, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती मिनटों में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए आज बनाते हैं बीन्स और आलू की मजेदार सब्जी कुकर में 5 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों बीन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर रखा है और इसमें हम डाल देंगे करीबन 2 चम्मच सरसों का तेल। मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा और साथ में डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया, इसे भी डाल देंगे। बहुत ज्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना। साथ ही हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसे हिला देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची 1/4 चम्मच और धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। अच्छे से हिला देंगे और साथ ही हम डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से अपना कलर छोड़ दें और फ्लेवर छोड़ दें। 2 मिनट हिलाएंगे ताकि पानी जो है थोड़ा सा सूख जाए और हल्दी का कलर भी अच्छे से आ जाए। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम का रखा है ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ या फिर क्रश किया हुआ भी डाल सकते हो, इसे भी अच्छे से हिला देंगे। तो आप देख सकते हो पानी जो इसका सूख चुका है। अब इसमें हम सब्जियां डाल देंगे। तो सबसे पहले हम आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार से कम या ज्यादा आलू डाल सकते हो। अच्छे से हिला देंगे ताकि आलूओं पे अच्छे से हल्दी का कलर आ जाए। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। और इसे 2 मिनट तक हम इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे जो बीन्स हमने काट रखी है, 250 ग्राम मैंने बीन्स ली है। इसे अच्छे से धो के और मैंने इसकी ऊपर की और नीचे वाली डंडी जो है काट दी थी और इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप किसी भी साइज में काट सकते हो, तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी काटी हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए कुकर में अगर आप बना के देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। जब भी कभी आपके पास समय ना हो और आपको कुछ जल्दी से बनाना है तो बीन्स को आप काट के फ्रिज में भी रख सकते हो और किसी भी समय आप इसे जल्दी से बना सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों चीजें हमने इसमें डाल दी हैं ताकि इनमें अच्छे से कलर आ जाए, मसालों का फ्लेवर आ जाए। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे दही रोटी पूरी पराठा किसी भी चीज के साथ आप इसे खा सकते हो, बहुत ही पौष्टिक रहती है। तो दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर मीडियम साइज के। आप चाहे तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर रखा है ताकि अच्छे से जल्दी से मसाले जो है मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितने अच्छे से मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं सब्जियों में। और अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी हाई फ्लेम से थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम हाई फ्लेम करते हुए 2 विसल आने तक इसे कुक कर लेंगे। उसके बाद कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे। तो दोस्तों कुकर का ढक्कन खोल के हमने देखा आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं और इसमें हम डाल देंगे अब गरम मसाला और हरा धनिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।